बिलासपुर जिला कोविड मुक्त की ओर अग्रसर नजर आ रहा है। अस्पताल पूरी तरह खाली हो चुके हैं, भर्ती मरीज शून्य है। जिला प्रशासन के आंकड़ों पर गौर करते तो पाएंगे कि नागपुर जिले में महज 12 सक्रिय मरीज ही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में नागपुर कोविड मुक्त हो सकता है। हालांकि नए पॉजिटिविटी मिलने और स्वस्थ होने के आंकड़े निरंतर बदल रहे हैं। जो सक्रिय मरीज है वे सभी होम आइसोलेशन में है। नागपुर में 11 मार्च 2020 को कोविड ने दस्तक दी, उसके बाद पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले 2 वर्षों में कोविड की 3 लहरों ने जिले के लोगों को झकझोर दिया। पहली लहर में कोविड संक्रमण का सर्वाधिक असर शहरी इलाकों पर दिखा, लेकिन दूसरी लहर में शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमण ने गदर मचा दिया। अप्रैल 2021 में कोविड पीक पर पहुंच गया। इस महीने 2290 लोगों ने दम तोड़ दिया और 181,749 संक्रमित मिले। तीसरी लहर 2 महीने में सिमट गई। जनवरी और फरवरी 2022 में तीसरी लहर का असर दिखा। हालांकि कोविड के पूरे संक्रमण काल में जिले में 577,752 संक्रमित मिले और 10,338 मौतें हुई। संक्रमितों में शहर के 3,99,617, ग्रामीण के 1,68,784, जिले के बाहर के 9,951 का समावेश है। शहर में 6,042 ने कोविड से जान गंवाई, जबकि ग्रामीण की 2,627 और जिले के बाहर के 1,669 की मौत है। सहा एप्रिल भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापना दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक आशीष गजानन खापरे, शहर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नागपुर। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।